बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैं कुरुक्षेत्र आई हूँ और हमारे आने का सबब है यश बाबू जी, जो हमें बॉम्बे से लेके आए हैं अपनी मूवी टू वे के लिए। हमने 80% शूट मुंबई में कंप्लीट कर लिया है और जो अभी 20% रह गया हम कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं। बहुत अच्छा सिटी है, बड़ा शांत है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के होते हैं। मैम, फिल्म का नाम टू वे है, स्टोरी थोड़ा कोई बताएं, क्या विषय है? ज्यादा तो नहीं बता सकती, मैं इतना ही बता सकती हूँ कि टू वे का मतलब है कि जिंदगी के हर मोड़ पे हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक राइट और एक रॉन्ग। हमारी चॉइस है कि हमें कौन सा रास्ता चूज करना है और वो रास्ता हमें कहाँ लेके जाता है। इस शूटिंग का मैम कुछ खास कुछ आपको लगा हो, कोई मुखड़ा, कोई ऐसा कुछ आपको? सब कुछ इस मूवी का स्पेशल है। यश बाबू जी ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, आर्टिस्टों को बहुत अच्छे से रखा है और जो जो रिक्वायरमेंट होती थी मूवी की ये सब वहाँ पे हमें, जैसे बाकी सब आर्टिस्ट है, मिलन कोनाजी है, सुधा चंद्रन जी, विजय पाटकर जी, गुलशन पांडे जी, पंकज बैरी जी, तो डी रंधावा जी, इनकी भी फर्स्ट मूवी है ये, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मैं दिया इन्होंने। मैं चाहती हूँ कि ऐसे हरियाणा से और प्रोड्यूसर्स आए, बिकॉज हरियाणा ने बहुत अच्छे कलाकारों को जन्म दिया। रणदीप हुड्डा जी हो गए एंड राजकुमार राव हो गया, यशपाल शर्मा जी हो गए। मैंने यशपाल शर्मा जी के साथ भी गेम ओवर मूवी में काम किया हुआ है और बहुत अच्छा है और हरियाणा को आगे बढ़ते रहना चाहिए। डी रंधावा जी, आपने बहुत सारे फेमस एक्ट्स में काम करा है, आपको वेब सीरीज में या पिक्चर में आने का कैसा अनुभव आपका? मेरा फर्स्ट मूवी है, मेरी फर्स्ट मूवी है जी, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया लग रहा है कि जो कास्ट है मेरी ये फर्स्ट मूवी है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े आर्टिस्ट हैं, सारे हैं, जो जितनी बड़ी टीम है सारी साथ उनके साथ कर रहा हूँ, एक टीम का माहौल बना हुआ जो घर जैसा। तो फर्स्ट टाइम लिखा है, अभी फिल्म का 85 से ऊपर ही शूट होगा जैसे एक जो फिल्म में सारे ट्रैक्टर है ना, उनका बॉन्डिंग बन चुकी है, तो एक घर जैसा माहौल बन चुका है, तो उसको छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन फिल्म है, इसमें तो निकलना पड़ेगा ट्रैक्टर में। डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। गुरलीन जी, हाशर में आपने टू वे लिया था, इस बार कोई टू वे का इरादा तो नहीं है? क्योंकि बहुत सारे हमारे 2008 में बड़े यूज थे जब आप बब्बू मान को छूट गए। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बताती हूँ। वो भी एक मैसेज था, हर्षर फिल्म में भी एक मैसेज था कि जब दो इंसानों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हमें उसी वक्त क्लियर कर लेनी चाहिए। अगर हम अपनी ईगो में रखते कि वो मुझे पहले मैसेज करेगा या वो मुझे कॉल करेगी, मैं उसे क्यों करूं, तो आज भी यूथ का वही हाल है। हम किसी भी रिश्ते में, ब्रदर सिस्टर हो, पेरेंट्स हो, किसी भी भाई भाई हो, हम अगर बोले कि नहीं वो मुझे फोन करे, वो मुझे कॉल करे, तो वो रिश्ते टूट जाते हैं। बस यही चीज थी जो लोगों को सच्चाई लगी और मुझे कैरेक्टर ऐसा दिया गया था शगन का कि वो लड़की में ईगो बहुत होती है, बोलती कि मैं, वो प्यार करती है लेकिन बोलती मैं क्यों पहल करूं, वो मुझे प्यार करता है तो वो मुझे कॉल करे, वो मुझे फोन करे, तो इसी ईगो में वो मर जाती है और ये कैरेक्टर हिट हो जाता है। आपका यश बाबू जी प्रोडक्शन के तले मूवी बन रही है टू वे, डी रंधावा जी के साथ आपका पहला एक्सपीरियंस है, ये हमारी गुलेन जी पुरानी एक्सपीरियंस है, कैसे बनाया मैंने? मैं इस बार जो फिल्म बना रहा हूँ खुद हटके, मेरा भी ये ड्रीम था कि मैं बहुत बड़े फिल्म बनाऊं, जैसे कि बड़े धर्मा प्रोडक्शन के एक्सपर्ट में, तो उसके लिए टीम चाहिए थी बड़ी। हम यहाँ पहले जो फिल्में मैंने बनाई है, इससे पहले 6 फिल्में बनाई है, 6 फिल्मों में जो मेरा अनुभव था वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या नए कलाकारों के साथ या नए डायरेक्टर के साथ होता। इस फिल्म में हर चीज टेक्नीशियन, मतलब स्टोरी राइटिंग से लेके अब तक जो मेकिंग हो रही है, पोस्ट प्रोडक्शन भी जो होगा, वो सारा A to Z बड़ी फिल्मों के जैसा कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा क्रू भी बड़े, पिछली फिल्मों में हमारे साथ 20 से 50 लोगों का क्रू होता था, इस फिल्म में 150 लोगों का क्रू है। हम 150 लोगों को साथ लेके चल रहे, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब साथ ना चल रहा हो। और अनुभव ये हो गया कि आप इनको नया नहीं कह सकते, इनका मैंने काम देखा, इनका मैंने जुनून देखा, इनकी हशर फिल्म जैसे आप बता रहे हो, मैंने इनका सारा प्रोफाइल देखा, तो मुझे लगा कि इनकी अपोजिट, मिलन कोनाजी के अपोजिट कौन खड़ा हो सकता है जो फीमेल हो, क्योंकि अब तक मैंने फिल्में बनाई है महिला प्रधान, तो ये भी मैं कह सकता हूँ महिला प्रधान फिल्म है, लेकिन ये अकेली महिला प्रधान फिल्म नहीं है, पुरुष प्रधान फिल्म भी है। तो इसलिए मैं ज्यादा स्टोरी तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मेकिंग से लेके डायरेक्शन और फिल्म रिलीज तक। तो दर्शक कब तक ये अनुमान लगा के रखने की बातें कर रहे हैं? दर्शक को जब जिस दिन प्रोमो मिलेगा तो मैं समझता हूँ थिएटर में पहले टिकटें बिक चुकी है। कितनी शूटिंग पूरी हो चुकी है? ऑलमोस्ट 90% हो चुकी है और 4-5 दिन और रहेगी या वो भी पूरी। कितना समय लगा इसमें? लगभग 30 से 35 दिन लगे पूरा। पिछले 3 महीने से लगे हुए हैं। ये चौथा राउंड है। कहाँ शूटिंग होगी? मुंबई, कुरुक्षेत्र। मैं कुरुक्षेत्र छोड़ूंगा नहीं, हालांकि ये सीन मुंबई में भी हो सकते थे। कोर्ट कचहरी जो बड़े सीनियर लोग हैं क्योंकि उनको वैनिटी चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं आज एक बात प्रशंसा की बात करूंगा कि हम जहाँ जिस लोकेशन पे कल तक तो हमारे पास सब जगह एसी था। आज जहाँ हम शूटिंग कर रहे हैं गलती से एसी खराब है और मैडम की मैं तारीफ करूंगा कि इन्होंने कोई ऐसी बात शो भी नहीं दी। काम है। आज भी देख लो उनके चेहरे पे मूड है। मैं तो चाहता हूँ ये फिल्म भी और भी अच्छी बना के देंगे और मेरे हिसाब से ये अनुभव जो इनके लिए है मुझे इनसे भी सीखने को मिला। जितने और लोग सीनियर लोग हैं मुझे भी उनसे सीखने को मिला। तो मैं रंधावा जी की बात करूंगा, मैं इनको पहले शुभकामनाएं दूंगा कि मेरी फिल्म से ही मुझे मतलब इनको लोग जाने। जैसे आप भाषण फिल्म की बात कर रहे हो तो लोग ये जाने के रंधावा जी को टू वे से लोग जानते। मेरा यश बाबू जी ने बताया कि जैसे फिल्म में आप दोनों वकील बने हैं, मिलन कोनाजी और आप। उनकी भी पहली फिल्म प्रेम थी, खूब गाना हिट हुआ था, ये तेरी आंखें डूबी डूबी। आपकी भी हशर हिट थी। तो वो प्रेम और हशर आमने सामने होंगे तो कौन जीतेगा, कौन जीतता है? दोनों वकील हैं, किसी भी तो ऐसा नहीं है। आप किसी हमारा किसी फिल्म आपको क्या लगता है कौन जीतेगा और कंपैरिजन आपको क्या लगता है? अच्छाई जीतेगी कुरुक्षेत्र में, वही बात है। अच्छाई है तो फिर आप अच्छाई ही जीतेगी। रंधावा जी, आपकी लगातार मैडम के साथ यूट्यूब पर आप काफी पॉपुलर है, फिटनेस को लेकर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। तो जो युवा फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, फिटनेस के जैसे कहते हैं कि लगन होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तो फिटनेस की कितनी जरूरी है फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब होने? फिटनेस सबसे पहले जरूरी है। डेफिनेटली आपको काम मिलेगा ना, लेकिन पता नहीं किसी टाइम काम मिलेगा तो वो कैरेक्टर कब किसी के रोल में हिट कर देगा। लेकिन फिटनेस होगी तो तभी उस कैरेक्टर को हम कर पाएंगे। जैसे मेरी फिटनेस देखी यश बाबू ने, मेरे का कैरेक्टर देखा और मेरे से मिले, तो डेफिनेटली इन्होंने मुझे अपनी फिल्म में लेना शुरू किया है ना। ट्राई कभी हम रंधावा जी को लेते तो मैं तो बारी मेरी फिटनेस के करके इन्होंने मुझे लिया। तो मैं सारे यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ, आप तैयारी में रहो। जब भी पता नहीं क्या कौन सा रोल आपके लिए तैयार हो, जब तक आप फिट हो आपको कोई भी रोल मिल सकता है, लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। युवा चाहे पंजाब का है चाहे हरियाणा का, नशे में बड़ा दस्ता जा रहा है, उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहता हूँ, एक्शन करो। जो भी कोई घर में कर सकता है, जिम में कर सकता है, बाहर कर सकता है। अगर कोई नशा कर सकता है, ये कोई नशा कर रहा है वो नशा छोड़ नहीं सकता है, लेकिन डेफिनेटली हम उसको एडिक्टेड भी हो गए हैं। लेकिन जो नशा करता है वही बंदा छोड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपना माइंड वर्क करना पड़ेगा और एक्सरसाइज और अपना वो सर्कल छोड़ दो जिससे आपको बुरी संगत मिली है, तो डेफिनेटली आप उससे निकल सकते हैं। गुरदीप जी, जैसे नॉर्मल लोग हिंदी और पंजाबी तो बोल लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु कई भाषाओं में काम किया है, तो भाषा सीखने में कितनी दिक्कत आई आपको? नहीं, मैं जब शूटिंग में बोलती थी मैं खुद ही बोलती थी, लेकिन बाद में डबिंग होती थी। और मुझे फिल्मों का बचपन से, मैं 13 साल की एज से काम कर रही हूँ, बचपन से शौक है। तो जहाँ चाह वहाँ राम, भगवान वहाँ पे रास्ते बनाता है, तो मैं बहुत जल्दी सीख जाती हूँ। कोई भी काम हो, एक्टिंग हो, डांस हो, मैं सेकेंड टेक नहीं लेती हूँ। तो मैं आई कैन स्पीक ऑल दी लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कोई भी नहीं। नहीं, मुझे जब सिखाते थे असिस्टेंट डायरेक्टर, मैम ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, तो मैं उनके पीछे बोलती थी, पीछे बोल के फिर बकअप करके तुम सीख जाते हो। अगर कोई मेन ऐसी मूवी की बात करें जितने में अब तक आपने काम किया है, हर्षद के अलावा कोई ऐसी फिल्म में जो आपको बड़ी अच्छी मेमोरीज के तौर पर याद हो या कला? मेरी हर मूवी, तेलुगु में मेरी आयुधम, वहाँ पे एन शंकर डायरेक्टर है, उन्होंने डायरेक्ट की थी फर्स्ट मूवी, वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। देन फिर मैंने तमिल में किया, वो भी हिट हुई। एंड मराठी में मैंने गणेश आचार्य जी के साथ पोपट्टी साठला, अजिंक्य देव, जहाँ पे विजय पाटकर जी भी थे। हर भाषा में मैंने एक एक छाप छोड़ी हुई है। हर भाषा में मुझे हर बंदा एक फिल्म से जानता है। जैसे आजकल ओटीटी का जमाना है, हर कोई ओटीटी पर देखना पसंद करता है और सिनेमा के लिए फिल्म बनाना बड़ी मतलब मुश्किल है, जोखिम भरा काम है प्रोड्यूसर के लिए और एक्टर के लिए भी। तो उन दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए जो अपनी फिल्म को चाहे वो आपकी फिल्म है चाहे किसी अन्य कलाकार की फिल्म है, थिएटर में जरूर जाकर देखें। बिल्कुल, हमें पायरेसी नहीं करनी चाहिए, थिएटर में देखना चाहिए। किसी इंसान की ना बड़ी मेहनत लगती है, पैसा लगता है, उसके ड्रीम्स होते हैं, एंड एक कलाकार की जो लाइफ होती है वो थिएटर से ही शुरू होती है। अगर आप सब लोग भी एक्टर बनना चाहते हो, डांसर, कुछ भी बनना चाहते हो, तो मैं यही बोलूंगी कि अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, थिएटर में मूवी देखो, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को यही बोलूंगी कि अच्छी क्लीन फिल्में बनाए, सो दैट हम सब लोग माँ बाप के साथ जाके देख सके। क्या होता है ना, जब हमारी ऐसी गंदी फिल्म बन जाती है तो हम गर्लफ्रेंड के साथ जाके देख लेते हैं, अगर मम्मी का मन करे, बहन का मन करे, तो हम कैसे लेके जाएं? तो सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसरों को यही बोलना चाहूंगी कि चंद पैसे कमाने के चक्कर में अगर गंदी मूवी होती है तो उसके आपकी ऑडियंस कम हो जाती है। पारिवारिक मूवी बनाओ, नीट एंड क्लीन बनाओ, एक मैसेज दो, सो दैट जहां पे 2 लोग आए वहां पे 6 लोग जाने चाहिए, और मूवी हमेशा वही हिट होती है जो परिवार के साथ बैठ के देखते हैं। वेब सीरीज का जमाना, वेब सीरीज का कंटेंट बड़ा जो वल्गर सा हो गया, उसको वो थोड़ी देर चलता है। आप देखो आज से 20 साल पुरानी मुगल-ए-आज़म, कितने कितने साल पुरानी फिल्में हैं, आज हमें वो याद है, गाने याद है, उनके डायलॉग्स याद हैं। क्या आजकल की वेब सीरीज के किसी को डायलॉग याद होंगे? मुझे तो याद भी नहीं, मैंने लास्ट वेब सीरीज कौन सी देखी।